नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 16 अप्रैल शुक्रवार, मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एडीएल न्यूज। इसी के साथ बात करते हैं यूपी नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू अब रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित की गई टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देशन जारी किए। सीएम ने आदेश दिया कि जिन जिलों में 2000 से ज़्यादा कोरोना मरीज है, वहां पर नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जाएगा। योगी ने कहा कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। लखनऊ में मरीजों की संख्या इतनी हो गई कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। कोविड से बचाव के लिए उपयोगी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। योगी ने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर से इस पर नज़र रखी जाएगी और रोज़ समीक्षा की जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम अगले आदेश तक स्थगित। यूपी में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला है। यूपी में अगले आदेश तक 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। साथ ही 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। उधर हरियाणा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। और इसी के साथ रोज की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।